पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आरटीआई एक्टिविस्ट हत्याकांड में फजीहत झेल रही योगी पुलिस ने आज एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा क्षेत्र निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट कासिम सैफी विगत 27 दिसंबर को अचानक लापता हो गया था। कुछ दिन बाद लापता आरटीआई एक्टिविस्ट कासिम सैफी की बॉडी जनपद शामली के जंगलों में बरामद की गई थी, जिसके बाद से मुरादाबाद पुलिस इस बड़े हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को बचाने की फजीहत झेल रही थी। पुलिस ने इस मामले में शूटर विकास चौधरी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था, लेकिन उसके बाद भी पीड़ित परिवार कासिम हत्याकांड से निराश था और बॉडी का अंतिम संस्कार करने के दो दिन बाद ही पूरा परिवार मृतक कासिम के फोटो लेकर अपने घर में ही धरने पर बैठ गया था, जिसके बाद से मुरादाबाद पुलिस फजीहत झेल रही थी। पुलिस ने आज इस मामले में सपा नेत्री अलका दुबे और कुलदीप नाम के हत्यारे को गिरफ्तार करते हुए पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार पागबड़ा के पूर्व प्रधान हारून सैफी ने अलका दुबे की मदद से आरटीआई एक्टिविस्ट कासिम सैफी को मारने की सुपारी दी थी, जिसके बाद मुख्य शूटर विकास चौधरी मृतक को अपने साथ लेकर जनपद शामली जा पहुंचा था और अपने साथी कुलदीप की मदद से उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पूरे मामले का साजिशकर्ता हारून सैफी विदेश भाग गया है, जिसके आने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। थाना पागबड़ा क्षेत्रांगत एक व्यक्ति कासिम, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 29/12 को। इसको मुकदमे में दर्ज किया गया था 3-1 को। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है एक विकास चौधरी द्वारा, जिसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया था। किंतु इसमें और विवेचना जब की गई तब इसमें और भी लोगों के नाम आए, जिनको गिरफ्तार करके हमने आगे की कार्रवाई की है। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए और मेन मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे हत्याकांड का? इसमें 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तक की विवेचना से जो बातें सामने आई हैं उनके अनुसार एक व्यक्ति हारून प्रधान, जो कि पागबड़ा क्षेत्रांगत रहता है, उसके कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। मैम, एक महिला इसमें गिरफ्तार दिखाई है, इनका क्या रोल है, कौन है ये? इसमें एक महिला अलका दुबे भी शामिल है, जिनके द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है ये समाजवादी पार्टी की कोई पदाधिकारी है? इन सभी पॉइंट्स पर अभी हमें और आगे विवेचना करनी है। क्या वजह रही जो इसमें जो वजह अभी तक निकल के सामने आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हारून प्रधान, जो कि इस आरटीआई एक्टिविस्ट से किसी बात से खफा था, उसने इस बात को अंजाम देने के लिए अलका दुबे व विकास चौधरी को संपर्क किया। उन दोनों ने एक कुलदीप नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इसमें एक व्यक्ति हारून प्रधान वांछित चल रहा है, जल्द ही पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी।